ट्रक से टकराई, स्लीपर बस, 6 लोग हुए घायल। मथुरा के थाना सुरी क्षेत्र स्थित माइलस्टोन 80 पर आगरा की तरफ से आ रही बस आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे के कारण बस में सवार 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। हादसे के 2 घंटे बाद पहुंचे एक्सप्रेसवे पर कर्मी और पुलिस ने घायलों को बस से निकाला और इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। ऐसा ही एक हादसा हुआ सोमवार की सुबह थाना सुरीर क्षेत्र में। यहां माइलस्टोन 80 पर ओरेया से दिल्ली जा रही स्लीपर कोच बस संख्या UP 17AT 2805 आगे जा रहे ट्रक संख्या RJ 11GA 7711 से अनियंत्रित होकर टकरा गई। करीब 4 बजे हुए इस हादसे के बाद 6 लोग घायल हो गए। हादसे की जानकारी पुलिस को 2 घंटे देरी से लगी, जिसके बाद पहुंची पुलिस और एक्सप्रेसवे कर्मियों ने बसों से यात्रियों को निकाला। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बस से सबसे पहले घायल यात्रियों को निकाला। पुलिसकर्मी एम्बुलेंस तक घायल यात्रियों को अपनी गोदी में उठाकर पहुंचाते नजर आए। बस यात्रियों ने बताया कि हादसे के बाद मौके पर पहुंचे एक्सप्रेसवे कर्मियों के पास न एम्बुलेंस थी और न ही क्रेन। करीब एक्सप्रेसवे कर्मियों के पहुंचने के आधा घंटे बाद एम्बुलेंस और क्रेन पहुंची, जिससे बस और ट्रकों को अलग अलग किया गया और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। और ट्रक की टक्कर के बाद ट्रक चालक ट्रक को छोड़कर मौके से भाग गया। वहीं बस में फंसे लोग कैबिन के गेट ऑटो लॉक होने के कारण आपातकालीन खिड़की से कूदकर निकले। इसी बीच मौके पर ग्रामीण पहुंचे, जिसके बाद सूचना पुलिस को दी गई। बस और ट्रक की टक्कर में 14 वर्षीय अंजलि, 20 वर्षीय ममता, 26 वर्षीय किशन, 32 वर्षीय राजेश, 50 वर्षीय ओम प्रकाश सहित एक बच्चा घायल हो गया, जिसमें से 5 को जिला अस्पताल व बच्चे को नोएडा इलाज के लिए भेज दिया गया है। अमित अग्रवाल, मथुरा समाचार 24। आज सुबह लगभग 4 बजे यमुना एक्सप्रेस वे हाईवे पर माइलस्टोन 79 के निकट थाना सुरी क्षेत्र में एक प्राइवेट बस एवं भूसी से लगे हुए ट्रक में टक्कर हो गई, जिसके फलस्वरूप 20 यात्री घायल हो गए एवं ट्रक चालक मौके से भाग गया है। घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, जिनका वहां उपचार हो रहा है। इस प्रकरण में जांच करते हुए अग्रिम विधि कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मथुरा के बस स्टैंड पर जनता ने अंधभक्त